हे गाइस नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम आप सभी को। एक बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में और एक बिल्कुल फ्रेश मौसम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ पेड़ पौधों के ऊपर। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप अपने घर में भी पेड़ पौधे लगाओ और अच्छे से अच्छे पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन जिनसे अच्छी आए, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज मैं उसी की वीडियो बना रहा हूँ। ये पहला मेरा मोटो व्लॉग है और उसी के लिए मैं जा रहा हूँ पेड़ पौधे लेने। तो देख लेना लोकेशन, अगर आपको चाहिए हो तो आप भी उस जगह आ जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये जो बेल आइकन आ रहा है इसको दबा देना। और इंस्टाग्राम पे अभी तक किसी ने मुझे फॉलो नहीं करा है तो ये आईडी आ रही है नीचे, इस पर जाके फॉलो कर लो। और चलते हम सीधे और आप लो थोड़े से म्यूज़िक के मज़े, फिर हम सीधा पहुँच कर वहीं पर वीडियो आपको कंटिन्यू करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. ये पौधे वाले तो ये जा रहे, और जयपुर में हीरा नगर बताया था मुझे, तो वहीं मेरे को जाना है, तो इनसे पूछता हूँ मैं। हेलो भैया, हीरा नगर किधर है? हीरा नगर, हाँ, जहाँ पे ये पेड़ पौधे मिलते हैं। हरी नगर, कहाँ पे? इधर से गया मैं, कितनी दूर जाना है? नहर आएगी, नहर से आगे 1 किलोमीटर आगे किधर को घुसना है? 3 रास्ते हैं ना उधर, तो हीरा नगर में जो नर्सरी है ना, हरी नगर में जो नर्सरी है वहां जाना है। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। तो गाइस, हरी नगर गाँव के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये बदरपुर के पास में और जैतपुर के अंदर हरी नगर है ना, हरी नगर है। और ये हमारे साथ में है यहाँ नर्सरी का ओनर भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास नाम है, हाँ जी। और इन्हीं का नर्सरी है, तो इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर फोन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पेड़ पौधे ज़्यादा चाहिए और सस्ते चाहिए, तो अगर गमले वगैरह भी हैं और खाद वगैरह सब चीज़ इनके पास मिल जाएगी। अगर जैसे कोई आता बंदा जैसे पौधे नहीं लगा पाते घर में, तो आप भेज के माली वगैरह करवा देते हैं, तो भाई ये भी इनके यहाँ पे सर्विस मिल जाती है। कि अगर आप पौधे नहीं लगा पाते या जैसे महीने 2 महीने में देख रेख करनी है, तो इनके पास वो सर्विस भी मिल जाती है। तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी दिखाते हैं भाई के पास कौन कौन से पौधे, पूरे नर्सरी का एक बार वर्कराउंड देते हैं, और मैं कौन कौन से पौधे ले रहा हूँ भाई मुझे सजेस्ट करेंगे कि वो पौधे लूँगा। बाकी मैं, मेरे फादर को शुगर है, तो सदाबहार पौधा शुगर के लिए बहुत अच्छा है, सफ़ेद सदाबहार, क्योंकि उसकी 2 पत्ती डेली खाओ तो शुगर कंट्रोल रहती है। तो उसके लिए तो मैं आया था, लेकिन मैंने सोचा और भी पौधे ले लूँ। और आप भी पौधे लगाओ, क्योंकि अगर आप अपने घर पर पौधे लगाओगे तो उससे क्या है, जो हमारा आजकल का पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन कम होगा, घर में साफ एयर रहेगी बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी एयर लेने का मौका मिलेगा। तो जो इतना पॉल्यूशन है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाओ। एक पौधा तो आप ये मान लो अपनी लाइफ में लगाओ ही, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पूरी नर्सरी है भाई की, देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया। तुलसी है भाई, ये है ना, ये तुलसी का पौधे हैं। और भाई ये कौन से पौधे भाई? ये चांदनी है, सफेद चांदनी। वेरिएटा चांदनी है। अच्छा, तो इसमें ये सफेद कलर का फूल आता है, फूल आएंगे, चांदनी का पौधा है ये, और उसमें फूल आते हैं। और ये कितना बड़ा हो जाता है? अगर मैक्सिमम इसका इतना बड़ा साइज है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। और ये सीजन का है या मतलब परमानेंट पौधा है? अच्छा, 12 महीने चलने वाला, ठीक है।
और ये किस चीज के पौधे होंगे? फाइकस है भाई, पांडा फाइकस। इस पे फूल का है, किस चीज का? कुछ नहीं आता, शो प्लांट है ये। अच्छा, शो के लिए अपने घर में लगा सकते हो? और लगा सकते हैं, ठीक है, ये 12 महीने चलता है। ओके, ये केले के पौधे हैं, केले के पेड़ है ना। तो इस तरीके से भाई ये मिल जाएंगे भाई के पूरे नर्सरी में। यहाँ पे ये काय का पौधा होगा? पाम है, एरिका पाम। ये स्टेम एरिका पाम है ये। अच्छा, एरिका पाम, एरिका पाम। अच्छा, मैं नाम इसमें लिख लिख के डाल दूंगा, मैं नेट पे ऐसे निकाल के जो भाई बता रहे वो समझा के। तो ये एरिका पाम है ना, पाम। बहुत अच्छा, और ये काफी अच्छा है, और ये आपको ज्यादातर गोवा वगैरह में तो देखने को मिल ही जाएगा। इसके पत्ते खराब हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी धूप हाँ काफी पड़ रही थी अभी 2 दिन से ही थोड़ा सा। तो एक बार सदाबहार देख लेते कहाँ पे जिस पौधे के लिए मैं आया हूँ, फिर उसके बाद जो मुझे लेना है वो मैं ले लूंगा। तो ये है वो सदाबहार का पौधा जो शुगर में बहुत काम आता है। इसकी 1-2 पत्ती डेली खाओगे तो भाई शुगर कंट्रोल रहती है, कंट्रोल रहती है ना। और तो इसी पौधे के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ, और जो मेरे पापा ने बताया था मुझे, तो भाई भी यही चीज़ बता रहे हैं कि इससे शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है। और अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप भी अपने घर पे लगा लो, डेली 1 पत्ता खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा मेडिसिन खाने से तो अच्छा ही, एक अगर पत्ता डेली भी खा लोगे तो क्या दिक्कत आ रही है नहीं। तो एक तो मैं 2-3 पौधे इसके लेता हूँ, बाकी जो मुझे पसंद आते हैं और जो भाई बताते हैं सजेस्ट करते हैं वो मैं लेके जरूर जाऊंगा यहाँ से। भाई एक पौधे की और बात कर रहे हैं जो पथरी में काम आता है, स्टोन में काम आता है, तो एक बार देख लेते। मैंने तो पहली बार ही सुना है, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी जो पौधे बीमारियों में भी काम आते। तो भाई हमारा बहुत पुराना, हमारे पूर्वज वगैरह जो होते ना, ये मेडिसिन नहीं खाते थे, ये सारी जड़ी बूटियाँ पौधों से ही। ये हरसिंगार है, ये जैसे जोड़ों में चोट दर्द होता है, अंदरूनी दर्द के लिए है ये, उसके काम में आता है ये। अच्छा, तो इसको क्या किस तरीके से यूज करते हैं? इसको जो इसके पत्ते जो होते हैं उसे गर्म पानी में उबाल के उस पानी का सेवन किया जाता है। अच्छा, उससे दर्द कंट्रोल हो जाता है। अच्छा जी, तो ये क्या नाम बताया इसका आपने? हरसिंगार। हरसिंगार, तो ये देख लो पौधा हरसिंगार के नाम से, जो जोड़ों में कमर में दर्द वगैरह होता है उसके काम, तो उसके काम आता है। गिलास में मतलब गर्म पानी में डाल के उसमें डालने हैं ये। ओके ओके, और ये मोरपंख बोलते हैं इसको? मोरपंख का पौधा। बिल्कुल भाई, बहुत सुंदर पौधा लग रहा है भाई। और यहाँ आने के बाद में तो एक अलग ही मतलब जो पॉल्यूशन में, ऐसे मैं बाहर से आया हूँ ना गाड़ी चला के, और यहाँ पे एक अलग ही खुशबू आ रही है और एक अलग मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रखा है अपने इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर भी काफ़ी है। तो यहाँ तो मज़ा ही आ रहा है भाई। तो ये कौन सा पौधा भाई? ये पत्थरचट का पौधा है, ये पथरी के काम में आता है। ये वाला पौधा पथरी के काम में आता है, तो इसको यूज कैसे किया जाता है भाई? इसका एक पत्ता रोज सुबह खाना खाली पेट। अच्छा, हाँ जी, 1 महीने में पथरी कम कर देता है ये। कम कर देता है, अच्छा। तो जो मैगी मैगी दवाई नहीं खा सकते वो इस पौधे को लेके जाओ अपने घर पे और 1 पत्ता खाओ, 1 महीने के अंदर पथरी कम से कम हो जाएगी, है ना। ओके, और ज्यादा टाइम तक अगर लेते रहते तो बिल्कुल खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएंगी, सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा, तो भाई बहुत अच्छी बात है, कड़वी मेडिसिन और इतनी मतलब महंगी दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि आप अपनी देसी चीज़ और घर में लगा के रखोगे तो बहुत सारे बेनिफिट है भाई। आप भी खाओगे, आप किसी और को भी बताओगे तो उसको भी फायदा होगा। नहीं भाई, बहुत फायदेमंद चीज़ है, और ये गारंटी का पौधा है। अच्छा, हाँ जी। और ये कौन सा पौधा है भाई जी? ये क्या चीज़ है? कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता, ये जो अपने सब्जी वगैरह में यूज कर रहता है ना, टेस्ट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं जानता हूँ, जैसे अपने डलता है सब्जियों में काफी में। तो एक तो मैं ये लेके जाऊंगा कड़ी पत्ता, और एक ये बताया भाई ने पथरी वाला पत्थर चटका, तो ये पत्थर चटका भी लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई हो जाता है ना कभी कभी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, खाते रहेंगे या घर में भी लगा रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो कभी प्रॉब्लम होगी तो वो लेंगे। तो क्या नाम बताया था भाई आपने? आप अपने क्या नाम? मेरा नाम विकास है। विकास भाई, एक मेरे को ना वो जो कैक्टस वगैरह होते हैं ना, जिसमें क्या बोलते हैं, इंडोर प्लांट, हाँ, जो मतलब जिसमें वो निकले होते हैं, अरे कांटे, कांटे कांटे वाले पौधे, कांटे वाले पौधे भी दिखा दो, जो नेगेटिव बोलते हैं ना, जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है वो नहीं आती घर में, तो इस तरीके के भी पौधे होते हैं। ये भाई आपके कैक्टस प्लांट है, ये मिली है, इस पे फूल आता है। कौन सा वाला? ये वाला, हाँ, ये कांटे निकल रहे हैं। हफ्ते भर भी पानी नहीं डालोगे तो भी ये पौधा चलता रहेगा। ओके, अच्छा अच्छा, तो ये मिली नाम है इसका? हाँ, मिली कैक्टस, मिली कैक्टस नाम है। अच्छा, और इधर भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो धूप की वजह से काफ़ी पौधे अभी मुरझा भी गए हैं, तो भाई ने फिर भी काफ़ी केयर कर रखी है। तो ये देख रहे हो सारे, तो घर में भी कम से कम 1-2 पौधे है ना इस तरीके के लगाओ, जिसमें मतलब वो क्या बोलते हैं ना, फायदा हो। हाँ, फायदा हो नेगेटिव एनर्जी के लिए, इनमें नुकीले वो निकलते हैं ना, इसीलिए। हाँ, तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी बताते हैं लोग कि नहीं आती घर में।
और ये रेड कलर के जो फूल हैं आगे, ये किस चीज के? भाई गुलाब के पौधे, देसी गुलाब है 12 महीने वाला। अच्छा ये वो वाला, अच्छा समझ गया, ये देसी गुलाब है 12 महीने जो आता है। अपना गुलाब दो तरीके के आते हैं, एक तो बहुत ज्यादा वैसा आता है, वो महंगे आते हैं, जो वो इंग्लिश गुलाब है, वो इंग्लिश देसी गुलाब है, 12 महीने चलता है। ओके ओके, अगर घर में लगा लोगे पूजा पाठ में अपने, एक दो गुलाब डेली के काम आए, एक दो फूल रोज। और ये क्या चीज है? सिंगल चांदनी है। ये सिंगल चांदनी है जिसपे फूल आता है व्हाइट कलर का, छोटा फूल रहता है। ओके ओके, तो ये कब, ये भी 12 महीने वाला है? हाँ जी, परमानेंट पौधे हैं। ओके, तो विकास भाई ये कौन सा पौधा है? भाई ये आंवला का पौधा है। आंवला का है? हाँ जी। तो इसमें कब आंवला आएंगे? और ये साल भर में आंवला आ जाएंगे। अच्छा, जो मार्केट में आंवला बिकते हैं हरे कलर के, है ना? ओके ओके, अच्छा वो इसी पौधे के होते हैं। तो ये भाई आंवला का पौधा, ये घर में लगा सकते हो गमले में अगर आपको पसंद है। पूजा भी होती है आंवले की। अच्छा, पूजा भी होती है। तो देख लो भाई, दो तरीके का काम आता है, खाने के भी काम आता है और पूजा के भी काम आता है। जैसे केले की पूजा की जाती है, तो सामने लगे हुए केले के काफी सारे पेड़ है, तो इनकी भी पूजा होती है, केले के पेड़ की भी, और काफी पौधे ऐसे जिनकी पूजा भी होती है। ठीक है, तो ये विकास भाई ये कौन सा पौधा है? भाई ये फाइकस का पौधा है। फाइकस? हाँ जी, ये शो प्लांट है और ये परमानेंट रहता है। अच्छा, तो ये धूप में या वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है ना? छाया में, दोनों में चलने वाला। और ये साथ में जो इसके कटा है, ये भी फाइकस है। ये तो इसके पत्ते और इसके पत्तों में फर्क क्यों है? ये अलग फाइकस है, ये अलग वैरायटी है और ये अलग वैरायटी। अच्छा, तो इस वजह से पत्तों में फर्क है, वैरायटी का फर्क है इनमें। तो फाइकस नाम है इसका पौधे का। अच्छा जी, पौधे मैंने अपने निकलवा लिए हैं सारे के सारे, तो भाई से पूछते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं, कौन सा फूल आता है उसमें, क्या नाम है उनका, तो इन्हीं से पूछते हैं। और ये सारे पौधे मेरे, तो एक बार दिखा देता हूँ ये सारे, ठीक है, दो तीन वहाँ पे रखे हुए। तो भाई एक एक करके जरा बता दोगे किसका क्या नाम है और किस काम में आता है? भाई ये गुलाब है 12 महीने वाला। ये 12 महीने वाला लाल वाला गुलाब आता है इसमें, है ना? जिस पे लाल कलर का फूल आएगा। ओके, और ये चमेली है, ये छालों के बहुत काम आती है। ये चमेली का, और भाई ने बताया कि ये जिसके मुंह में छाले हो जाते हैं ना, तो ये इसके काम आता है, इसके दो पत्ते खा लो तो छाले नहीं होते, हमेशा के लिए छाले खत्म करते हैं। हमेशा के लिए छाले खत्म। और ये गुड़ैल है, इसका फूल पूजा में चढ़ता है। गुड़ैल का, इसका फूल पूजा में चढ़ता है भाई, ये है गुड़ैल का। और ये चंपा का पौधा है, ये चंपा का फूल देता है, ये बहुत अच्छा भी लगता है बड़े होने के बाद में, वो व्हाइट कलर का फूल भी आता है इसमें। ये तो दिखाई थी मुरैया, सेंट मुरैया, इस पे व्हाइट कलर का फूल आता है। तो एक बार दोबारा से देख लो, इसका नाम है सेंट मुरैया। हाँ जी। और इसमें व्हाइट कलर का फूल आता है, व्हाइट कलर का फूल आता है। और ये आपका मोतिया, मोतिया? हाँ जी, जो बेला चमेली जिसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मोतिया बेला चमेली हिंदी में। और ये आपका अशोक का पेड़ है, ये अशोक का पेड़ है, और ये सीधा सीधा अपना चलता चला जाएगा, है ना? सीधा चलता चला जाएगा। ये क्रोटन है, वेरिएटेड क्रोटन, क्रोटन क्रोटन क्रोटन, इसको भाई क्रोटन बोलते हैं। और इस पे क्या फूल, बस ये नेचुरल प्लांट है, ये घर के अंदर चलता है। और इसको आप बता रहे थे ऑक्सीजन भी काफी अच्छी आती है ना, ये घर के अंदर चलने वाला पौधा, कमरे के अंदर बहुत बढ़िया चलता है। चलो भाई, ये घर के अंदर भी रख सकते हैं और आराम से अपना चलाओ इस पौधे को। और भाई, और ये भाई ये कौन सा क्रोटन है? ये भी क्रोटन है? हाँ जी, ये अलग वैरायटी है। अच्छा, वो अलग है, वो अलग है। तो भाई दो तरह के क्रोटन है। और ये मोरपंख का पौधा, ये मोरपंख का पौधा है, कितना सुंदर लग रहा है अभी देखने में। ये जब विद्या का पौधा ही बताते हैं। अच्छा, तो ये मोरपंख का पौधा और विद्या का पौधा भी बताते हैं। और भाई ये भी भाई आपका मोतिया का पौधा है, और ये आपकी तुलसी है, दोनों रामा। हाँ, ये तुलसी, तुलसी हमारे यहाँ दो तरीके की आती है। तो इसमें रामा कौन सी होती है, श्यामा कौन सी होती है? भाई ये जो काले पत्ते की होती है श्यामा तुलसी होती है, और ये हरे पत्ते की होती है रामा तुलसी। उनकी पूजा भी होती है, सभी को पता है। इसका सफेद सदाबहार है,
और ये अपना कौन सा? सफेद सदाबहार है जो अभी बताया था मैंने, ये शुगर में का पौधा, ये इसे शनिदेव का पौधा बोलते हैं। और भाई ये बता रहे हैं भाई कि और काफी लोगों ने ये अजमाया हुआ है कि इस पौधे की अगर सच्चे दिल से शनिवार को पूजा करी जाती शाम के टाइम तो काम पूरे हो जाते। तो भाई अगर जैसे अगर आपके किसी के काम नहीं बन रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप ये शनि का पौधा ले सकते हो। देख रहे हो बहुत छोटी छोटी इसमें लीफ में पत्तियां हैं, और इसके आगे अपना सच्चे मन से दिया जलाना बस। ठीक है, कोई बिना लालच के कोई किसी के, तो आपके काम बन जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, है ना। काम आंवले का पौधा है, यह आंवले का पौधा है, और ये भाई बता रहे कि इसमें 6-7 महीने में आंवले आने शुरू हो जाते हैं ना। और ये आपका पत्थरचट का पौधा है, ये पत्थरचट का जो पथरी के काम आता है वो बताया था अभी, वो पौधा है। तो ये सारे मैंने पौधे लिए, और एक ये अपना कैक्टस है सामने रखा हुआ है, ये वो ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। और कुछ हमने लिए यहाँ पे गमले, 10-12 गमले हैं, और ये खाद का पैकेट है। तो भाई अगर जैसे कोई आपको ऑर्डर देता है, घर पे बुलाता है कि हमें पौधे लगवाने हैं, तो मिनिमम कितना पौधे होने चाहिए कि जिससे आपका भी पैसे निकल जाए? भाई मिनिमम कम से कम 10 पौधे तो होने चाहिए। 10 पौधे होने चाहिए। पौधे आपके कम है तो फिर जाने का चार्ज लेगा, जो उसकी दिहाड़ी होगी, समझ गए। तो भाई देखो सीधा फंडा है कि अगर आप भाई को बुलाते हो फ़ोन करके या जैसे भी, तो कम से कम इतने पौधे लगवाओ, या उनकी फिर दिहाड़ी उस हिसाब से आप फ़ोन करके इनसे बात कर लेना। और मैं ये कहूँगा, देखो आने वाला टाइम बहुत ख़राब आने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ एक पौधा तो अपनी लाइफ में लगाओ, और उसको पौधे को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखो, और पानी डालो डेली, उसकी केयर करो, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, अपने घर वालों की करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें आने वाली जनरेशन को भी हम समझा सकते हैं कि वो भी उसी तरीके से हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि आजकल लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं एक दूसरे को देख के। तो प्लीज़ आप ऐसे करो, भाई के पास अंदर गमले वगैरह भी है, तो सब चीज़ आपको यहीं मिल जाएगी। तो जैसे ये देख रहे हो, खुद खाद बनाई हुई है ये सारे गमले, और ये इनका रूम है, तो इसके अंदर गमले वगैरह, खाद के पैकेट वगैरह, तो ये सारा मनी प्लांट के भी वो सब है। तो यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही जगह आपको सारी चीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट करना, और पौधा ज़रूर लगाना भाई, ठीक है ना, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। तो अगर भाई, तो विकास भाई एक बार ये और बता दो, जैसे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि कितने के हैं, कैसे हैं, तो क्या मतलब रेट वगैरह क्या आता है इनका? भाई वो तो रेट आने पर आदमी अपना पौधा देखे उसके बाद डिस्कस होगा, लेकिन हम आदमी जैसे वीडियो में देख लिया, अभी मैंने ये चीज़ें सारी समझा दी, वीडियो में देख लिया, कोई घर बैठे ऑर्डर देता है तो कितने का पौधा, अगर मान लो 10 पौधे हैं तो कितने के मिल जाएंगे उस बंदे को? एक पौधा 30 रुपये से स्टार्टिंग है। फिर आदमी की चॉइस के ऊपर है कि वो कौन सा पौधा लेता है। तो भाई देखो, छोटे जो पौधे हैं वो 30 रुपये से स्टार्टिंग है, फिर उसके ऊपर 40 भी है, 50 भी है, तो कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि हम भाई इतने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने पैसे उड़ा देते हैं, इतनी चीज़ों में खर्च कर देते हैं उल्टी सीधे में, ठीक है। चॉइस के ऊपर है कि भाई 30-40 रुपये का कोई पौधा है, बाकी आप लगवाओगे घर पर, अगर मान लो इनका 400-500 रुपये का भी काम होता तो ये आपके आराम से घर पर आके काम कर देंगे, और अपना बता देंगे जो भी है, जो भी इनका सामान लगेगा, जो भी इनका चार्ज लगेगा, ये बता देंगे। तो बस इस वीडियो को कर एंड नहीं करते, अब घर जाके मैं ये लगाता हूँ पौधे, और उसके बाद थोड़े से वीडियो और बना के फिर इसको एंड करेंगे। अब सीधे घर पे जाते हो, घर पे जाके इन पौधों को लगाते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने घर पे, और ये रहे सारे पौधे, तो अब मैं एक एक करके ये सारे पौधे लगाऊंगा, ये अब निकालने इसमें से आराम आराम से, तो फिर उसके बाद लगाते हैं। तो अक्कू बाबू भी अपने पौधे लगाएंगे पहले से, छोटे छोटे से, हैं। हाँ भाई लाओ, मुझे दे दो ये, लाओ ये वाला भी दे दो, नहीं तुम्हें भी लगाना है, चलो लगा देना। अक्कू अक्कू इधर देखो, बोलो हेलो, टाटा कर दो टाटा।
सारे गमले तैयार हो चुके, कम से कम 15-20 गमले तैयार हुए हैं। तो देखो ये दो तो कैक्टस वाले जो होते कांटे वाले, ये तो पहले से तैयार थे गमलों में सेट थे। बाकी ये है, ये है, ये दो मैंने छोड़ दिए, मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगा रोड पे। ये अशोक के पेड़ हैं, और बाकी ये देख रहे हो भाई, चार ये रखे, इतने सारे वहाँ रखे हुए। तो आप भी पौधे लगाओ और पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ।